बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 में चैप्टर नंबर 5 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 द एटमॉस्फेयर। इसका आज हम सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। पहला एमसीक्यूज है, सेकंड हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज, अर्थ एटमॉस्फेयर की सेकंड हाईएस्ट लेयर कौन सी है? ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन बी है मीजोस्फेयर, ऑप्शन सी है ट्रोपोस्फेयर और ऑप्शन डी है थर्मोस्फेयर। तो देखिए, सबसे पहली जो होती है वो ट्रोपो होती है, उसके बाद सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर होती है। तो जो हमारी सेकंड हाईएस्ट होती है ना, लास्ट से पहले जो होती है वो होती है थर्मोस्फेयर। तो इसको हम मार्क करेंगे, ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा, थर्मोस्फेयर। एमसीक्यूज 2 है, एरोप्लेन्स फ्लाई इन, एरोप्लेन्स कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं? ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी है मेसोस्फेयर और ऑप्शन डी है थर्मोस्फेयर। तो एरोप्लेन्स जो है वो ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है किस चीज़ के साथ, ये हमें आंसर में बताना है। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के इजाफे से, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के डिक्रीज होने से, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के इंक्रीज होने से, ऑप्शन डी है इंक्रीज इन लैटीट्यूड, लैटीट्यूड के इंक्रीज होने से। तो हमने ये अच्छे से मालूम है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। एमसीक्यूज नंबर 4 है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच सेपरेट स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर इज नोन एज। इसको इस तरह समझ लें कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, इन दोनों के दरमियान कौन सी लेयर है जो इनको सेपरेट करती है? ऑप्शन ए है ट्रोपोपॉज, ऑप्शन बी है मेसोपॉज, ऑप्शन सी है थर्मोपॉज, ऑप्शन डी है स्ट्रेटोपॉज। इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है ट्रोपोपॉज। एमसीक्यूज नंबर 5 है, ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ, ओजोन लेयर किस चीज़ का पार्ट होती है? ऑप्शन ए है मेसोफेयर का, ऑप्शन बी है स्ट्रेटोफेयर का, ऑप्शन सी है थर्मोस्फेयर का और ऑप्शन डी है ट्रोपोस्फेयर का। तो ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट होती है, तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट होती है, जबकि ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन गैस होती है वो उसका पॉल्यूटेंट होती है। एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इन्होंने जो हमें ऑप्शन दिए हमें उनमें से बताना है कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन डी ऑक्सीजन हमारा आंसर है। एमसीक्यू 7 है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्राई एयर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम आफ्टर नाइट्रोजन इज। इन्होंने हमसे कहा है ड्राई एयर में नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है। तो इन्होंने हमसे पूछा सेकंड नंबर पे कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हीलियम। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ये 20% होती है एयर का। एमसीक्यूज नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सी है ग्लोबल वार्मिंग की रीज़न। ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड, सल्फाइड की मौजूदगी, ऑप्शन बी है राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ जाना, ऑप्शन सी है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ऑप्शन डी है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का बन जाना। देखिए, अब अगर इसमें हम देखें ना, तो ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमने अभी ग्लोबल वार्मिंग में बहुत अच्छे से समझा भी है, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे ऑप्शन बी राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। एमसीक्यूज नंबर 9 है, द एल्टीट्यूड ऑन स्ट्रेटोस्फेयर इज, स्ट्रेटोस्फेयर का एल्टीट्यूड या ऊंचाई कितनी है? 40 to 45 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 50 to 55 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 60 to 65 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 70 to 75 किलोमीटर। इसका आंसर है ऑप्शन बी 50 to 55 किलोमीटर, ये है स्ट्रेटोस्फेयर का एल्टीट्यूड। एमसीक्यूज नंबर 10 है, ओजोन इज अ गैस फाउंड इन द डैश लेयर। ओजोन एक गैस है जो इस लेयर में पाई जाती है, हमें ये बताना है कौन सी लेयर में पाई जाती है। ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी है मेसोस्फेयर, ऑप्शन सी है स्ट्रेटोस्फेयर और ऑप्शन डी है एक्सोस्फेयर। इसका आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि ओजोन गैस जो है स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट होती है और उसके अंदर ही ये पाई जाती है, जबकि ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होती है वो उसका पॉल्यूटेंट होती है। हमारे तमाम एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।